गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी भी अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। तो आ जाइए जी, करते हैं एक और ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। ये बिल्कुल सुबह की ही क्लिप है और आज ना कई दिनों का मिला जुला एक ब्लॉग है, यानी कि ब्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी, क्योंकि अभी नवरात्रे चले हुए हैं तो नवरात्रों में व्रत रखे हैं मैंने। तो खाना भी जैसे कि एक बार इनके लिए बनाना पड़ता है, एक बार बच्चों के लिए बनाना पड़ता है, एक बार अपने लिए बनाना पड़ता है, तो सारा दिन किचन में ऐसे ही निकल जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए जी, ये बिल्कुल सुबह के टाइम की क्लिप है और अभी तक मतलब कि मैं उठती हूँ सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि अरब को स्कूल जाना होता है। तो उठ के मैं 5-7 मिनट छत पे टहली थी कुल्ला वुल्ला करके, ब्रश मैं सुबह उठते ही नहीं करती क्योंकि मैं रात को सोने से पहले करती हूँ। तो सुबह बस कुरला करके मैं नीचे ही आ जाती हूँ, और ना ही ये कोई रूल है कि भाई नहाने से पहले हम किचन में नहीं जा सकते, तो मैं तो आ जाती हूँ क्योंकि सुबह की जो पूजा होती है वो आरव के पापा करते हैं। अभी वो नहा रहे हैं तो मुझे बनाने हैं आज कड़ी, क्योंकि मैंने बताया था आपको इस बार सैटरडे को हम सब्जी नहीं ला पाए थे, और ये वाली क्लिप है वीरवार के दिन की क्लिप है ये, तो इसी वजह से कढ़ी बनाई है मैंने। 2-3 दिन तो ऐसे ही काम चल गया था, फिर उसके बाद मैंने ही मना कर दिया क्योंकि आगे से आगे सब्जियां रखी रहती हैं, तो फिर जैसे छोले हैं, राजमा है या फिर कढ़ी वगैरह है, तो ऐसी सब्जी का नंबर नहीं आ पाता। तो मैंने मना कर दिया कि इस हफ्ते में एक आध सब्जी ऐसी बनाएंगे, जैसे कि दाल बना ली मिक्स दाल करके, तो इसी वजह से इस बार नहीं लेके आए हम, सैटरडे को ही लेके आए थे, तो ऐसे ही बनाते रहे कुछ कुछ। तो कढ़ी मैंने छोक दी है और यहाँ पे मैंने राइस भी छोक दिए हैं, जीरा राइस बनाए हैं मैंने। तो अभी मैं कर दूँ रोटी की तैयारी, क्योंकि एक आध रोटी भी बनानी पड़ेगी। आरव के एक तो स्कूल की टाइमिंग आरव की इस तरह की होगी है कि उसको 2 लंच बना के देने होते हैं, आरव को घर पे आते आते दोपहर के 3 बज जाते हैं, तो इसी वजह से ज़रूरी था। और आज तो आरव के पापा भी बोल रहे थे क्योंकि कढ़ी चावल उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कहा चलो रोटी वो खा के चले जाएंगे और चावल मैं उनके लंच में पैक कर दूंगी। तो कढ़ी भी मेरी बनने ही वाली है अब एक बार मैं, चावल भी मैंने दूसरे वाले गैस पे रख दिए हैं, क्योंकि ये वाला चूल्हा है ना, इधर काम करने में आसानी रह जाती है क्योंकि यहाँ पे स्लेब पे रखा रहता है सारा कुछ सामान, तो उस साइड में यहाँ पे छोक छोक के मैं वहाँ पे रख देती हूँ। और ये देखो तब तक आरव के पापा ने नहला दिया है आरव को भी, और मम्मी इसको कपड़े पहना देगी, क्योंकि सुबह सुबह ना इतने सारे काम हो जाते हैं किचन में, कभी कुछ बच्चे के लिए बनाना, कभी इनके लिए बनाना, तो सुबह का तो टाइम इतना ज़्यादा भागा दौड़ी का होता है, तो एक आध काम एक आध बार ये करा देते हैं। वैसे तो कई बार आरव इतनी ज्यादा जिद पकड़ जाता है कि नहीं मम्मा आप ही करोगे, पर आज मैंने बोल दिया था कि बेटा आज रहने दे, आज अपने पापा से ही नहा ले, तो वो नहा लिया था और अभी मम्मी ने कपड़े पहना दिए हैं। तो आरव अभी यहाँ पे पैंट का हुक बंद करवाने के लिए आया था, क्योंकि मम्मी से एक तो इससे शूज नहीं पहनाए जाते और एक जो हुक वगैरह है उनको पहनाने में दिक्कत आती है। तो ये देखिए जी, कढ़ी ना मैंने पहले बगैर मिर्ची की निकाली है, तो मिर्ची मैं बाद में डालूंगी इसमें, क्योंकि बगैर मिर्ची की इसी वजह से निकाल ली है क्योंकि बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि बच्चों वाले घर में ना सब कुछ सोच के चलना पड़ता है, अपने हिसाब से आप कुछ भी नहीं कर सकते, पहले बच्चों को देख के चलते हैं, क्योंकि बच्चे तो घर की जान है और इनको ही इग्नोर कर दे तो ये तो बिल्कुल भी मतलब कि नाइंसाफी हो जाएगी। तो ये देखिए जी, कढ़ी भी मेरी बन गई है और मैंने कढ़ी को ढका नहीं है क्योंकि मुझे इनका लंच पैक करना है, तो ज़्यादा गर्म नहीं पैक करूँगी मैं, तब तक ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। तो आरव को मैंने भेज दिया है स्कूल में अभी, और खाना आरव के पापा ने भी खा लिया है, इन्होंने 2 रोटी खा ली है, और ऑफिस के लिए मतलब कि चावल पैक करने हैं उनके लिए मुझे, तो मैंने सोचा कि तब तक ये वहाँ से आएंगे, तो पहले तो मैं सोच रही थी कि चलो बाद में बना दूँगी पकौड़ी, और इन्होंने भी बोल दिया था कि अभी रहने दे, ज़्यादा भागा दौड़ी मत मचा, मैं तो ऐसे ही लेके चला जाऊँगा। पर बस यही होता है कि जितना बन जाए उतना अच्छा है, क्योंकि देखो बनानी तो ज़रूरी थी पर इनके जाने के बाद बनाते, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इन ये भी लेके चले जाएंगे, तो क्योंकि ये सिंपल सी ही पकौड़ी बनानी होती है, तो बस इसका तो ये है बेसन को थोड़ा सा ज़्यादा फेंट लेना, तो अच्छे से मतलब कि सॉफ्ट बन जाती हैं ये।
तो छोटी छोटी सी मैंने बना ली है, और ज़्यादा नहीं बनाई है, सिर्फ एक ही बैच बनाया है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ बनाते हैं ना, तो घर वाले बोलते हैं कि थोड़ी मेरे को दे दे, थोड़ी मेरे को दे दे। पर आज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि बच्चे भी नहीं है यहाँ पे, और सुबह का ही टाइम है, थोड़ा जल्दबाजी का है। तो मैंने बस यही था, थोड़ा ही बनाया था कि जल्दी जल्दी से हो जाएगा। और ये बनाए थे मैंने राइस, और इनके लिए मतलब कि जो शिमला मिर्च है, मैंने रेड वाली और ग्रीन वाली पहले से ही कट करके रख दी थी। और ये ना शिमला मिर्च, हरी वाली शिमला मिर्च रखी रखी फ्रिज में, लाल हो गई है। तो एक हरी मिर्च थी और एक लाल मिर्च थी, तो वो मैंने इसके अंदर राइस के अंदर डाल दिया, जिससे कि दिखने में अच्छे लगेंगे। और ये देखिए जी, उसके बाद वेदांशी थोड़ी देर चाची के साथ खेली, क्योंकि फिर मैं 5-7 मिनट चाय पी बैठे तो इतना टाइम निकल गया। तो मैंने इमली भी गो रखी, और ये देखो इमली भी गो दिया चटनी के लिए। ये ना कई जगह का प्रसाद इकट्ठा हो रखा है, गुड़ देख सकते हो आप, 2-3 कलर का है। तो ये प्रसाद है जो वहाँ से आया था, ये अभी माता धोकी थी हमने, ये जो चुराई वाली माता है। तो ये प्रसाद खाया नहीं गया है, और प्रसाद का ऐसे अपमान भी नहीं करते कि भाई ऐसे मतलब कि जगह जगह मतलब कि रखा रहे। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ, इसकी चटनी बना दूँ, क्योंकि चटनी तो यूज़ हो जाएगी और इससे हमारा प्रसाद भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो मैंने इमली भी गो के रख दी है, और इसके अंदर ना मैंने खिलौने भी डाले थे जो दिवाली वाले बचे हुए थे ना, 3-4 वो रखे हुए थे। तो जितने भी मतलब कि एक्स्ट्रा मीठा रखा हुआ था ना, तो वो सारा का सारा मैंने इकट्ठा करके इमली की चटनी बना दी है। और इमली की चटनी ना बहुत टेस्टी बनेगी, आप वीडियो देखना। तो ये देखिए जी, झाड़ू मैंने लगा दी है, और पोछा मैं लगाऊंगी नहीं, क्योंकि आज है वीरवार, वीरवार के दिन मैं पोछा नहीं लगाती। और यहाँ से मैंने इसी वजह से धोना पड़ा, क्योंकि अभी यहाँ पे जिया खेल रही थी, तो खेलते खेलते उसने सुसु कर दिया। तो बोलते हैं कि मेन गेट कभी भी गंदा नहीं रहना चाहिए, तो भले ही मैं घर में पोछा ना लगाऊँ, पर मैं यहाँ से आगे आगे से साफ़ कर दूँगी और किचन में पोछा लगा दूँगी। तो फिर अब ये है कि बच्चे यहाँ पे आराम से खेलते रहेंगे। वाइपर तो मैंने लगा दिया है, पर मैंने थोड़ा सा पोछा भी लगा दिया है, जिससे कि जो ये जल्दी सूख जाएगा। वेदांशी और जिया यहाँ पे खेलती रहती हैं, तो इस वजह से जल्दी सुखाना होता है, नहीं तो फिर वो स्लिप होके गिर जाएंगी। और ये देख लो, ये ना दोपहर के टाइम की क्लिप है, एक कोई सूट बेचने वाले भैया आए हुए थे, तो वेदांशी को इसकी स्कूटी सी इतनी अच्छी लगी कि इसको चलाने में लगी हुई थी। तो ये है जी, शाम के टाइम की क्लिप है, और मैंने अभी मलाई रखी हुई थी कई दिनों की, इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। और साइड में मैंने चने की दाल रख दी है बनाने के लिए, चने की दाल और प्याज की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो मैंने बताया कि इस हफ्ते में हमने ऐसे ही सब्जी, जैसे कि दाल है, राजमा है, कढ़ी है, तो ऐसे ही बना के पूरा हफ्ता निकाल दिया, क्योंकि सूखा सामान घर पर रखा होता है, कई बार ऐसा होता है कि एमरजेंसी में बनाने पड़ जाए। तो ये देखिए जी, कुछ खिलौने रखे हुए हैं, इनको भी मैं ऐड कर दूँगी इसी के अंदर। तो पूरा हफ्ता आसानी से निकल गया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। और यहाँ पे ना जैसे कि वो आते हैं सब्जी बेचने वाले आते हैं, घिया है, 2-3 सब्जी यहाँ पे मिल जाती है। तो बीच में हमने ले भी ली थी, घिया ली थी मम्मी ने एक दिन, और एक दिन भिंडी ली थी, तो ऐसे ही काम चल गया था मतलब कि। तो ये देखिए जी, चटनी के लिए मैंने उनको भी भिगो के रख दिया है, और अभी लगा दिया है मैंने दाल में तड़का, और मलाई का काम भी मेरा हो गया है, इससे खोया निकाल दिया है। और ये खोया मैंने बगैर दाने के ही निकाला है, क्योंकि इससे मैं बनाऊंगी कुछ ना कुछ रेसिपी। तो जब तक मेरी सब्जी छुकेगी, तो तब तक वो काम भी मेरा साथ के साथ हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही मैं उसको छान लूँगी, क्योंकि एक बार की कहते हैं ना, हर गलती इंसान को कोई ना कोई सीख जरूर दे के जाती है। तो मैंने ऐसे ही मलाई से घी निकाला था, गरम गरम मैंने उसको छान दिया था, जिससे कि छलनी बिल्कुल एकदम से श्रिंक हो गई, मतलब ख़राब हो गई थी वो छलनी, ज़्यादा गर्म होने की वजह से वो सारी की सारी बेकार हो गई थी। तो उस दिन के बाद मैं इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेने लग गई हूँ, कि मतलब कि घी ठंडा हो जाए, मतलब कि जमने की कंसिस्टेंसी में ना आए, बस इतना कर दूँगी और इसको छान दूँगी। तो छान के मैंने घी निकाल दिया है, और जो मावा है उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड ही कर दिया, जिससे कि एक्स्ट्रा घी होगा वो भी निकल जाएगा। तब तक बर्तन साफ़ करने का टाइम होगा, तो तब तक मैं उसको भी छान के रख दूँगी। तो अभी मैं कुछ तैयारी सुबह के लिए भी कर दे के रख दूँ, क्योंकि
ये जग है जो म्यूर जग पानी लेके आने वाला, इसको भी साफ़ कर दिया है। और इसको मैं करती हूँ बिल्कुल बाद में साफ़ करती हूँ, क्योंकि सारा किचन का काम मेरा निपट चुका है। और आज ना थोड़ा दूध एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो उसमें से मैंने निकाल दिया है पनीर। मैंने सोचा कि आरव के लिए एक परांठा तो बन ही जाएगा, तो मैं आरव के लिए बना दूँगी एक परांठा। क्योंकि रोज़ रोज़ बच्चे के लिए क्या सोचे, ये बस समझ में नहीं आता कि क्या बनाए क्या बनाए। और स्कूल में तो कुछ ना कुछ अलग देने का होता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे अलग अलग लेके आते हैं, तो ऐसे बच्चे को हर टाइम एक ही चीज़ नहीं दे सकते। तो मैं एक आध बार उसके लिए पनीर का परांठा बना देती हूँ, एक आध बार आलू का परांठा, या फिर कुछ भी सब्जी रखी हुई जैसे गोभी है प्याज वगैरह है, तो ऐसे बना देती हूँ। तो ये देखिए जी, इमली का जो पल्प है उसको मैंने मतलब कि भिगो के रखा था, ये मतलब कि पहले दिन भीग गए, एक दिन भिगी रखी रही थी, तो इतना टाइम सा नहीं लगा मुझे, या फिर ये सुबह के टाइम भिगोई थी मैंने, हाँ सुबह के टाइम भिगोई थी मैंने ये। तो अभी शाम के टाइम सारा काम वाम निपटा के किचन का, तो अभी मैं इसका चटनी का काम कर दूँ, क्योंकि अभी और कुछ काम नहीं है। तो टाइम से निपट गया था मेरा काम, इसको छान लिया था। और उस छलनी में से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी इसको छानने में, तो मैंने वो दूसरे वाली छलनी ली है। और इस छलनी के ना छेद से बंद हो गए थे, मैं शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको। तो मैंने इसकी वो छलनी की एक जर्नी सी निकाल दी, जिससे कि अब ये ठीक होगी, इसमें से जूस है या फिर इमली वगैरह है तो आसानी से छन जाएगी। और ये देखो, ये मलाई गर्म करने में ना ये कढ़ाई, क्योंकि कई जगह आता रहता है किचन में काम करते करते तीनों गैस चलती रहती हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो इससे नीचे तली में लग गया ये। तो इसको मैं स्टील के जूने के साथ अच्छे से साफ़ कर लूँगी, कोई ऐसा कोई जादुई तरीका नहीं है कि बर्तन जल गया है तो उसके साथ ये कर लो, ये डाल लो, वो डाल लो, उससे ठीक हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ तो ये है, स्टील का जूना लो और उससे अच्छे से रगड़ो, तभी साफ़ होगा। और ये देखो, ये ना एक दो दिन पहले ही ना सिलेंडर ख़त्म हो गया था, वो सिलेंडर ना सुबह के टाइम काम कर रही थी मैं, तो वो उस टाइम पे एकदम मतलब कि मंदा हो गया था बहुत ज़्यादा, और उसमें काम नहीं चल रहा था, तो मैंने सिलेंडर को चेंज कर दिया था। पर मन में ना ये रहा कि भाई इसके अंदर गैस होगी, तो मैंने दोबारा से लगाया है इसको, मैं क्या ये चटनी बनती रहेगी और सारी गैस निकल जाएगी। तो ये देखिए जी, मैंने इसके अंदर सौंफ डाल ली है, लाल मिर्च डाल ली है, और काली मिर्च का और जीरे का पाउडर डाला है, सफ़ेद नमक डाला है, काला नमक डाला है, और ये एक दालचीनी का टुकड़ा है। और मैंने इसके अंदर ना जैसे कि सौंठ डालते हैं, सौंठ मेरे पास थी नहीं, पर फ्रिज में सूखी अदरक थी, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, अभी अदरक यूज़ नहीं करते, तो वो अदरक सूखी हुई थी, तो मैंने सूखी हुई अदरक को उसमें से ग्रेटर में से अच्छे से ग्रेट कर लिया है, मतलब कद्दूकसा कर लिया है, जिससे कि वो बिल्कुल सौंठ का काम करेगी, तो ये वाली चटनी बहुत टेस्टी बनती है। और ये देखो, आज हमारी मशीन को पता नहीं कौन सा बुखार हो गया है, एक ही डायरेक्ट क्शन में घूमे जा रही है, और इसको देख के मेरे सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो गया कि एक ही चक्कर चक्कर घूम रही है, वो चक्कर से आगे उसको देख के। तो ये देखिए जी, ठंडी होने के बाद हमारी चटनी कुछ इस तरह की है, और अभी मैं इसको डाल के रख दूंगी। और ये ना शहद के डब्बे हैं, और कांच के बर्तन में इसको स्टोर करके रखे तो 3 से 4 महीने तक इजीली ये चल जाती है। अभी इसको फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि मम्मी को दही बल्ले और टिक्की बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे एक बार दही बल्ले बनाने हैं मम्मी के लिए, तो मैं इसको रख दूँगी। ये चटनी वगैरह पहले बना के रख देना, तो फिर कुछ भी बनाए तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, फिर आसानी से हो जाता है काम। तो ये देखिए जी, ये अभी सोने से पहले का काम है, तो मैंने अभी दही जमा दी है सुबह के लिए, और अभी बना रही हूँ मैं सीधा, क्योंकि कल है जो नेक्स्ट डे है वो सोमवती अमावस्या है और ग्रहण भी है, तो इसी वजह से गांव की सारी औरतें किसी तीर्थ स्थान पे, गंगा जी बोल रहे थे, गंगा जी गए थे नहाने के लिए, तो मम्मी को भी जाना था, मम्मी भी गए थे उनके साथ, मम्मी तो मना कर रही थी, फिर मैंने फोर्स किया कि अभी तो साथ बन रहा है अच्छा सा, तो क्योंकि यही एक ऐसी उम्र होती है जिसमें हम अपने सारे जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, तो अपना जितना जितने भी तीर्थ स्थल है या जहाँ पे भी जाने की इच्छा है, तो आसानी से हम घूम फिर सकते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने शाम को ही सारी तैयारियाँ कर दी थी मम्मी के लिए, जोत बना के रख दी थी, सिद्धा रख दिया था, सिद्धे में गुड़ और चून होता है हमारे यहाँ पे, कोई भी माता पे जाते हैं धोकने के लिए तो वहाँ पे सिद्धा जरूर से जरूर लेके जाते हैं तीर्थ स्थल पे। तो ये है सुबह के 4:30 बजे की क्लिप है, तो मैं आ गई हूँ उठ के, मम्मी को जाना है, और मम्मी को मैं बोल रही थी कि कुछ चाय चूहे पी के चले जाओ, तो पर मम्मी ने मना कर दिया कि इतनी सुबह सुबह खाली पेट ही जाएंगे, तब तक मतलब वहाँ पे धूप लगानी है, तो इस वजह से मम्मी कुछ खा के नहीं गई। फिर मैं आ गई थी उठ के, तो ये देखिए जी, मैंने सोचा कि चलो जब तक मैं थोड़ा सा एक आध काम ये निपटा लूँ, चादर ये कपड़े हैं ये समेट के रख दूँ,
तो ये देखो जी, मम्मी और चाची और जा चुके हैं, और अभी ये काम होते होते मेरे ख्याल से 4:45 का टाइम था ये, तो वो चले गए हैं। और ये वाली जो क्लिप है, ये 8 बजे की क्लिप है। झाड़ू पोछे का सारा काम मेरा निपट चुका था, आरव को भी भेज दिया था मैंने स्कूल में, आरव के पापा भी चले गए थे ड्यूटी पे। तो अभी मैं खिला रही हूँ वेदांशी को खाना, और ये जिया भी आ गई थी खेलते खेलते। जिया आ जाती है ऐसे खेलते खेलते, तो तब तक मम्मी भी आ गई है। और नहीं, 8 नहीं है, ज़्यादा टाइम हो गया था मेरे ख्याल से, 8:30 के 9 के आसपास था, तो जल्दी ही आ गए थे, ज़्यादा दूर नहीं होता। गाय की रोटी भी निकाल दी है मैंने।